लेंगे। वो 10 दिन बाद भव्य आया, भव्य बोला कि 10,000 रुपए दो सर। मैंने बोला कौन से 10,000 रुपए? तो ये बोला कि सर आपने 10 दिन पहले बोला था कि आप मेरे को 10,000 रुपए लुटा दोगे, और आप, मैंने कहा कब बोला था मैंने, और मैं मुकर ही गया। ठीक है, तो कोई आदमी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके अगर मुकरे ना ना, तो हमने उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दी कि अगर ये चीजें होगी ना तो आप मुकर नहीं सकते, या फिर कोई उस बात से पीछे हटता है तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो, सपोज करो कि मैंने बोला मेरे को ये कार तुम्हारी पसंद है और ये कार मैं तुम्हारी खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे 5 लाख की बेच दोगे? ठीक है, सामने वाले ने बोला कि हाँ मैं 5 लाख रुपए की बेच दूंगी। जैसे मैं घर गया, हमारा सब कुछ हो गया फिक्स, अब उसके कोई दोस्त ने बोल दिया कि 6 लाख की तुम्हें खरीदने को तैयार हूँ। अब अपने ने डील की थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि हमने डील की। अगला फिर 6 लाख वाले भी डील करेगा, अगले को 7 लाख वाला मिल गया, तो ऐसे तो चलते रहेंगे ना केसेस। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फिक्स कर दिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस है ना, तो कोई बैकआउट नहीं कर सकता, और अगर कोई बैकआउट कर रहा है तो हम कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो जो पहला जो टर्म है, जो भी टर्म्स यूज होंगी ना, अपन सारी यूज कर लेंगे। ठीक है, और इन टर्म्स के अलावा कोई भी क्लैरिटी पेपर में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जो उसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अपन को ध्यान में रखना है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर से होता है ना एबीसीडी, तो वो ऑफर से शुरू होगा, कभी भी ऑफर के बिना कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। ठीक है, ऑफर या प्रपोजल एक ही बात है। जैसे कि अगर मान लो शुभी की मुझे या फोन पसंद है मेरे शुभी का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले पूछूंगा ना कि शुभी ये फोन तुम कितने का मुझे बेचोगे, या फिर शुभी ये फोन मुझे तुम 8,000 रुपए का बेच दोगे। यहाँ अब ये क्या हो गया, ऑफर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि शुभी तुम ये फोन मुझे 8,000 रुपीज का फोन ये बेच दो। अब सामने वाले ने, शुभी ने क्या रिप्लाई दिया कि सर मैं आपको ना 8,001 रुपीज का बेचूंगी। हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। चल 1 रुपए का भी फर्क है ना, और ऑफर और एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा भी कुछ चेंज है कॉन्ट्रैक्ट में, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस डिटो सेम होने चाहिए। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है, अगर मैंने कोई ऑफर रखा वो सामने वाला एक्सेप्टेंस कर रहा है तो वो डिटो सेम होगी। अगर 1 रुपए का भी फर्क है ना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मान लो कशिश ट्रक्स का बिजनेस में डील करती है, तो मैंने बोला क्या तुम 1,000 ट्रक्स मुझे 10 करोड़ के बेच दोगे? इससे बोला मेरे पास 999 ट्रक्स हैं और मैं 10 करोड़ का बेचने को तैयार हूं। एक ट्रक भी मिस है ना, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस सेम है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। तो जब भी ऑफर और एक्सेप्टेंस डिटो सेम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पहली चीज। और ऑफर और एक्सेप्टेंस जब तक डिटो सेम होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो मैंने रखा, मैं दुकान पे गया। ठीक है, मैंने बोला कि सर आप क्या मेरे को एक अंकल चिप्स का पैकेट 20 रुपए का दे दोगे? सामने वाले ने बोला मैं 21 रुपए का दूंगा। तो उसने क्या किया, काउंटर ऑफर किया। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। मैंने बोला क्या आप 20 रुपए का अंकल चिप्स दे दोगे? सामने वाले ने बोला मैं 21 रुपए का दूंगा। तो उसने काउंटर ऑफर रख दिया। मैंने कहा चलो भैया 21 का दो, तो मैंने एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर मैंने कोई ऑफर किया है वो सामने वाला उसमें कुछ चेंज करके मेरे को वापस कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। ठीक है, अब जब उसने काउंटर ऑफर दे दिया ना, अब मेरे ऊपर है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। सर इसमें भी काउंटर ऑफर ही आया इसमें? हाँ, इसमें भी। जैसे मैंने बोला मैं 8,000 का फोन शुभी को मैंने बोला, ठीक है, और उसने क्या रिप्लाई किया, 8,001 रुपए का। तो उसने क्या बोला है, एक्सेप्टेंस नहीं की, काउंटर ऑफर कर दिया। ठीक है, और जब भी काउंटर ऑफर आएगा तो मेरे ऊपर है कि मैंने बोला चलो ठीक है यार, तुम भी क्या याद रखोगी, ये पकड़ो 1 रुपया और, तो 8,001 रुपए में उनको फोन दे दो, तो मैंने एक्सेप्टेंस कर ली। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? अब हो गया, क्योंकि काउंटर ऑफर और एक्सेप्टेंस सेम हुई तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अब बात आती है कि मान लो सपोज करो अपने ना नाइकी के शोरूम से बाहर से गुजरे, ठीक है, वहां पे एक टी शर्ट लगी हुई थी, उस टी शर्ट पे प्राइस लिखा हुआ था मान लो 500 रुपए ओनली। तुमने कहा यार 5,000 की टी शर्ट है और 500 रुपए का प्राइस का टैग लगा है, और अपने जाते हैं और ले लेते हैं। जैसे अपने गए वहां पे, तो वहां पे आबा नाम की लड़की ने पहले उसको खरीद लिया। ठीक है, अब मैंने बोला यार मैंने पहले देख लिया अखबार, ठीक है, और मैं थोड़ा सा रह गया और आबा ने ये ले लिया, क्या मैं वहां पे उसको फोर्स कर सकता हूँ दुकानदार को? नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मान लो एक टी शर्ट थी, ठीक है, वो 500 रुपए की है, मैं शॉप पे गया, मैंने बोला ये टी शर्ट मेरे को पसंद है, ये वो कह रहा मैं नहीं बेचा तुमको, मेरी बनती नहीं तुमसे। तो मैंने कहा ऐसे कहा तुमने बार ऑफर रखा था, ठीक है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे को दो। कह रहा नहीं नहीं मेरे को नहीं पसंद है, मैंने बेचनी नहीं, तेरे को नहीं बेचेंगे बस, और किसी को बेचें चाहे आधे रेट में बेचें।
क्या वो मना कर सकता है? सर नहीं कर सकता। किस किसको लग रहा है मना कर सकता है, और किसको किसको लग रहा है कि वो अमाउंट है कि देनी पड़ेगी उसको अमाउंट है। अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई शॉप की दुकान होना या कभी भी कहीं पे बार बोर्ड लगा है तो वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो आपको बुला रहा है ऑफर के लिए। और फिर आप वहां पे आओगे ना और फिर आप बोलोगे उसको कि भी मैं ये टी शर्ट खरीदना चाहता हूँ तो ये ऑफर हुआ, और सामने वाला एक्सेप्टेंस करेगा दुकानदार। आया समझ में? तो कभी वो बनते नहीं है तो वो रैंडमली तो ऐसा मना नहीं कर सकता ना कि क्या जैसे कोई भी दुकान पर गए और मतलब उस शॉपकीपर से बनती नहीं है। हाँ। ऐसे रैंडमली थोड़ा। अच्छा इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो क्लैट की कोचिंग है, ठीक है। अब क्लैट की कोचिंग में एक लड़का है कोई, ठीक है, उसने बोला कि सर मैं आपकी फीस पे करने को तैयार हूं और आप मुझे पढ़ाने दो। अभी को पता उसके पास एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बहुत शोर करता है और सिंसियर नहीं है पढ़ने के लिए। मैंने कहा भाई तेरे को नहीं पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो, मना कर सकता मैं। वो इन्विटेशन टू ऑफर था जो हमने ऐड किया अखबार में कि क्लैट कोचिंग में अगर आपको आना है तो आपको ये फी पे करनी है। अब बाकी कशिश आई तो मैंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, पर एक दूसरा भी लड़का आया मान लो उसका नाम अंकित था, तो मैंने बोला अंकित कोई बात नहीं तुम 10 लाख भी दे दो तो भी तुम्हें नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें पता तुम बाकी उनको शोर करके खराब कर दोगे। तो वो क्या इन्विटेशन टू ऑफर है। अब वो बोल रहे कि सर मेरे को आप इस फीस में पढ़ा लोगे ऑफर, फिर मैंने एक्सेप्टेंस कर दी, ठीक है। और जब मैंने एक बार एक्सेप्टेंस कर दी ना अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको दूसरी जगह चेंज करते हैं, मान लो अभिजीत है, ठीक है। मैंने अभिजीत को ये बोला कि अभिजीत ये फी है तुम आओ, तो अभिजीत 3-4 दिन के बाद है ना क्लास में बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, ठीक है, और तेज म्यूजिक फुल कर रखा है, बाकी बच्चे खराब हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये पकड़ो तुम्हारी फीस होनी पड़ो यहाँ से, तो उसमें ये क्या मतलब हुआ भाई फीस पकड़ा दी और मैं निकलूँ, ठीक है, मैं तो यहीं बैठूंगा। जैसे मुन्ना भाई मूवी देखिएगा है ना, मुन्ना भाई में वो आता है ना डायलॉग, वो डीन कहता है निकल यहाँ से, कहता काय को फीस दे ला है ट्रॉफी ला है वो ले ला है ये देखो पूरा हो दिया है काय को मैं जाऊँ, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपने ऑफर और एक्सेप्टेंस कर ली ना, ठीक है, तो आप पीछे नहीं हट सकते, और अगर आप पीछे हट रहे हो तो आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी अगले, ठीक है। आप एनएलयू में चले गए और एनएलयू में आप हाँ उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे ना, वहां पे रैगिंग शुरू कर दी और निकाल देंगे वो, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर कॉलेज में जाके तुम ये नहीं कर सकते देखो क्लैट का पेपर है क्लियर कर लिया तुम्हारी फीस है 80,000 रुपये दे दी, ठीक है, अब हम कुछ भी करें सिगरेट पी रहे हो वहां पे शराब पी रहे हो, कहेंगे ऑफर एक्सेप्टेंस किया खत्म, ठीक है, हो गया। अब क्या है तुम उसकी रूल्स को वायलेट कर रहे हो तो वो मना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिंसियरली पढ़ रहे हो सब कुछ कर रहे हो तो किसी में दम नहीं है कि आपको निकाल दें। हाँ आप पेपर में फेल हो गए तो गांव निकलोगे, ठीक है। अगली चीज क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। बिना ऑफर के क्या एक्सेप्टेंस हो सकती है? कोई नहीं, हमेशा ऑफर होगा एक्सेप्टेंस भी। क्या हमेशा ऑफर की एक्सेप्टेंस देना जरूरी है? कुछ जगह नहीं है, जैसे जनरल ऑफर कार्लिल वाला केस था जो कार्लिल फोन आ रहा है सर, उसमें क्या हुआ फोन आ रहा है हाँ कार्ड पे फोन, उसमें क्या हुआ कि एक फेयर एंड लवली क्रीम थी, ठीक है, मान लो ऐसा कोई भी क्रीम थी, और उन्होंने बोला जो भी इसको यूज करेगा और अगर पिंपल्स हो गए, ठीक है, तो हम 10 करोड़ रुपए कंपनसेशन देंगे, ऐसा कुछ। एक लड़की ने यूज किया उसके पिंपल्स आ गए, अब क्या वो, और उसने बोला कंपनी वालों पे केस कर दिया कि मुझे कंपनसेशन दो, कंपनी वालों ने बोला हम कुछ भी नहीं दे रहे कंपनसेशन, क्यों, क्योंकि हमने ऑफर तो किया था, तुमने एक्सेप्टेंस किया था मैं फोन करके ये देखो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ फोन करके और क्रीम लगा के देख रही हूँ, नहीं होना चाहिए। तो लोगों में ये बोला है कि जब जनरल ऑफर है ना, जब आप कई लोगों को ऑफर दे रहे हो इकट्ठे, तो एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, एक एक जना थोड़ी एक्सेप्टेंस देगा। अब टीवी में ऐड आती है फेयर एंड लवली की, ठीक है, तो वो ये थोड़ी बोलेगा देखो मैं वो फेयर एंड लवली ले आई हूँ शाहरुख जी और ये है ना एक्सेप्टेंस जो भी है मैं लगा के देख रही हूँ, नील वो रंग चेंज हुए तो मैं आप पे केस करूंगी, वो नहीं है, ठीक है। क्या फेयर एंड लवली पे केस कर सकते हैं हमने कि भाई अगर मान लो वो बोरे नहीं हो रहे अपने, उन्होंने ऑफर दिया है मान लो कई करोड़ ना 1 करोड़ रुपये देंगे अगर वो नहीं हुआ, क्या हम केस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बहुत वो कमी नहीं है स्टार लगा के ना वो लगा देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, ऐसे करो ये होएगा वो होएगा और उसमें वो 99.99% डिटोल में इतना जर्म्स निकल जाएगा। अभी मैं मेरा एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने SBFC में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर आपको 10,000 वाला अकाउंट खुलवाना है तो उसमें आपको इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 25,000 वाला करवाओगे ना तो 10 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस है। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है कि अपने बैलेंस पर रहता ही उतना, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 25,000 रुपये वाला खुलवा दिया। अब मैं यूं ही है ना परसों की बात है, मैं वो देख रहा था उनके कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक लाइन लिख रखी है कितने चला के वकील लोग, ठीक है, तुम ये सोचना उस लाइन में क्या लिख रखा है कि अगर आपने एक मंथ में एक ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है तो भी इंश्योरेंस की आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर किसी मंथ में आपने नहीं किया तो वो साल खत्म। अब मान लो अपने मैंने ले लिया वो डेबिट कार्ड, कितनी बार होता है अपने नहीं की ट्रांजेक्शन,
तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये बोल देंगे देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं की, कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो एक रोज डालने से। अब कितने हर साल हर महीने थोड़ी करते हैं अपने कार्ड से, मैं तो यूपीआई से पेमेंट करता हूँ सारी, ठीक है, मैं कार्ड यूज ही नहीं कर रहा। अब मेरे को तो फायदा मिलेगा नहीं। अब मेरे को पता लगा, मैंने कहा यार ये फालतू का ही है, अब एक बार दुकान में जाके स्वाइप करके आना पड़ेगा कि ताकि वो 10 करोड़ का बीमा तो रहे। तो ऐसे है, ठीक है। अब दूसरी टर्म है ना, वो है कंसिडरेशन। इसमें ना अपने वो सेक्शन 2D में डिफाइंड है ये, और होता क्या पहले वो समझते हैं फिर आगे चलते। बहुत ही सिंपल है कंसिडरेशन का। देखो कुछ टर्म्स ऐसे हैं ना जिनका मीनिंग उनमें छुपा है। कंसिडरेशन में कंसिडर वर्ड है ना, ठीक है, क्या मीनिंग होता है कंसिडर का बताओ? एग्री और क्या? जैसे मैं ये काम ये कंसिडर करके कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। तो कंसिडर का मीनिंग क्या है, कंसिडरेशन का मीनिंग, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो बदले में आपको क्या मिल रहा है वो आपके लिए कंसिडरेशन है, सामने वाले को क्या मिल रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला कि भैया एक मार्कर देना, ये 20 रुपए है। अब मैंने उसको 20 रुपए दिए और क्या लेने के लिए, मार्कर। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, मार्कर। सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, 20 रुपए। आया समझ? कोचिंग है, बताओ मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, फीस। तुम्हारे लिए सर्विसेज। मारुति की कार लेने गए तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मारुति कार। सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या है, या पैसे, या नोट, ठीक है। अब लोग क्या बोलते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो दुनिया का, जहां पे कंसिडरेशन होगी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो, वो ही मतलब जीरो। मान लो मैंने फोन किया, ठीक है, मैंने बोला कि तुम या किसी को ऐसे कोई इलीगल काम के लिए कि भाई तुम ड्रग्स बेच दो 10 किलो, ठीक है, या कोई एक आदमी किसी से डील कर रहा है कि वो उसकी लड़की खरीदना चाह रहा है 50,000 रुपये, तो वो लड़की बेचना तो क्राइम है। तो कंसिडरेशन क्या हुआ, क्राइम। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट सही है, नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, वॉइड। चाहे दोनों पार्टी चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो ना तो भी उसको सही नहीं है, ठीक है। कार्तिक आया सामने आभा, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, मान लो मैंने आभा को 10 लाख दे दिए कि आभा तुम जाके है ना इसी तक मटर कर दो और ये पकड़ो 10 लाख रुपए, मैं तुम्हें 5 लाख एडवांस दे रहा हूँ, 5 लाख बाद में दे दूंगा। इशिता ने आभा ने जाके इशिता को मार दिया, अब बोल रही है 5 लाख दो। मैंने कहा कुछ नहीं दे रहा मैं, वो खड़ा कोर्ट जाके केस कर सकते हैं। क्या ये कोर्ट जाके केस कर सकती है, नहीं। ये बोल सकती है हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ था, ये सबूत रहा और ये मुकर गए, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैंने सट्टा खेल दिया कि पाकिस्तान जीतते कि 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब वो हार गई पाकिस्तान, जीतता कौन है, इंडिया। अब वो आ गया, वो कह रहा मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कि तुम मेरे को पैसे दे रहा, मैंने जवाब नहीं दिया, कुछ हुआ वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड है। तो कभी भी सट्टा खेल दो ना, कोई बात नहीं है, कोर्ट कूट आपको कोई आके बोलेगा नहीं पैसे देने की। हाँ वो एक बात है कि वो अपनी दुश्मनी निकाल ले, तो वो अगर निकाल रहे ना कोई गुंडे लेके आ रहा है तो पुलिस को फोन करते हुए धमका रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अपने सट्टे खेल रहे हैं ना या कुछ भी अपने वो कर रहे हैं बैटिंग गैमलिंग, वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। सर बट मतलब जो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाऊंगा तो उसके पार्ट में भी तो वो रहोगे क्योंकि वो भी तो उसको, हाँ वो जा ही नहीं सकता कोर्ट में, नहीं वो मेरे को ये बोलेगा ना कि कोर्ट में जा रहा हूँ जैसे, तो कोर्ट तो सुनेगा नहीं ना। और बैटिंग खेलने के लिए जो है ना सजाएं वो मिल सकती है हमें कि भाई हम दोनों गई, तो उसको भी तो मिलेगी कि भाई आप ऑफेंस कर लो बैटिंग खेलने का, मुझे वो क्यों जाएगा कि मेरे को ही पकड़ो इसको ही पकड़ो, ठीक है। आया समझ में, कंसिडरेशन में कोई डाउट यह है तो बताओ, ठीक है। अब अपने सीखेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। कोई भी चीज है ना वो एग्रीमेंट है अगर दो पार्टीज ने डिसाइड कर ली, अगर वो लॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगर कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल है तो वो सिर्फ एग्रीमेंट है, ठीक है। मैंने बोला कि तुम शुभमन को बोला कि शुभमन तुम ऐसे करो कि 10 है ना भिखारी बच्चों को खरीद के ले आओ और ये 50,000 रुपए पकड़ो, अपने उनसे भीख मंगवाया करेंगे रोज, ठीक है, और फिर उनको जो मिलेगा वो खाया करेंगे। मान लो अपने ऐसे कर देंगे, बहुत कमाई आएंगे भिखारियों के, ठीक है। अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भीख भिखारियों को खरीदना, क्या ये लॉफुल है, क्या ये अनलॉफुल है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं। क्या ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है। तो कोई भी एग्रीमेंट जब लॉफुल कंसिडरेशन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब कोई भी एग्रीमेंट अनलॉफुल कंसिडरेशन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, सिर्फ एग्रीमेंट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं, चले आगे, चलो। वॉइड तो सबको पता लग गया क्या होता है, वॉइड क्या होता है, जीरो, जीरो। अब वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क है वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसको तब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
एक चीज का और ध्यान रखना, एक तो चीज होगी void zero, एक हो गया void definition. इन दोनों में फर्क मैं समझा जाता हूँ. void का मतलब zero, void definition मतलब zero from the very beginning, starting से. ठीक है, जो contract continue हो ही नहीं सकते ना वो void definition. और void का मतलब, एक मिनट, void का मतलब शुरू में सही थे, बाद में ऐसे कुछ circumstance आ गए कि अब अपने continue नहीं कर सकते, वो void. जैसे कि void definition का. void definition का example लेते हैं. तो section 26 है contract का. Agreement in instrument of marriage is void. ठीक है, या void definition का से मान लो, या child marriage. अगर अपने child marriage करवा रहे हैं ना किसी के, तो void definition शुरू से ही वो गलत है, करवा ही नहीं सकते. ठीक है, जैसे ये शादी का भी, अगर मान लो कई बार होता है ना कि फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई वो लड़का और लड़की जो वो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब लड़की का बाप बुलाता है उसको, लड़के को मीटिंग में, और फिर उसको बोल रहा है कि तुम मेरी लड़की के जीवन से निकल जाओ, और क्या कीमत चाहिए, वो बोलता है 10 करोड़ रुपए, तो वो निकाल के देता 10 करोड़ रुपए और जाओ. ठीक है, अब वो चाहे उसने कुछ साइंस में कर दे कि मैं तुम्हारी लड़की के पीछे नहीं आऊंगा, ना शादी करूंगा, ना कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि अगर कोई भी आप किसी को मना कर रहे हो किसी से शादी करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कोई नहीं सर. बट वो तो इलीगल वाला ही हो गया, तो वो तो नहीं इलीगल, नहीं, शादी करना तो लोफल है ना. इसी तरह जो आपने एग्जांपल दिया कि हाँ, जैसे वो वाला कह रहा ना चाइल्ड मैरिज वाला, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है ना वो वॉइड डेफिनेशन ऑटोमेटिकली है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते सर. तो वो एट द सेम टाइम वॉइड भी तो होंगे. कौन से? हाँ सही है, जो वॉइड डेफिनेशन ऑटोमेटिकली वॉइड है. फिर से दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, जो अपने सेक्शन 56 कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ऑफलाइन कोचिंग बनाएंगे, कोरोना आ गया. ठीक है, कोरोना में मोदी जी ने बोल दिया 8 बजे आके कि कोई भी अब ऑनलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, और सॉरी इधर यानी कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, और कंप्यूटर पे पढ़ाना है इलेक्ट्रॉनिकली. अब मैं भी तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, ये भी तैयार है पढ़ने के लिए, कि सर कौन देख रहा है, चुपके से पढ़ा दो. पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले तो सही थे पर अब वही हो गए. समझा, कि पहले तो सही था वो, जब मोदी जी ने कंडीशन लगा दी ना कि आज के बाद कोरोना चल रहा है कोई भी वो नहीं करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गए, वॉइड. हाँ, इन शॉर्ट जो अब सही नहीं है, यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आ गए कि अब वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो वॉइड हो गया. ठीक है, वॉइड, हाँ, अब वॉइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे मान लो, सपोज करो मैं हूँ कशिश है, मैंने बोला कशिश को मान लो हॉर्स का बड़ा शौक है, तो कशिश बोल रही है कि सर आपके पास वो घोड़ा है ना जो ब्लैक कलर का है, या कोई भी इसका नाम बादल है, वो घोड़ा मेरे को चाहिए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने बोला तुमको मैं 25,000 रुपये पेमेंट कर दूंगा, तुम मेरे को कर देना वो घोड़ा ले जाना. अब इतने बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे ना, उसकी डेथ हो गई उस हॉर्स की, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट अब कंटिन्यू कर सकते हैं हम जाकर, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉइड, यानी अब नहीं कर सकते. तो वॉइड का मतलब आप कंटिन्यू कर नहीं सकते. वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना, तो हम पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगे. मान लो मैंने इससे कुछ एडवांस में पैसे ले लिए, तो मेरे को लौटाने हैं पैसे. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. शुभमन गुरमीन, वॉइड डेफिनेशन में नहीं आएगा, घोड़े वाला ना, घोड़े वाला क्या, जब हमें नहीं पता था ना उस टाइम कि घोड़ा मर चुका है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया. नहीं नहीं, ऐसा मैं समझाता हूँ. कशिश जब आई तो इसके दिमाग में तो ये था ना कि घोड़ा जिंदा है, मेरे दिमाग में ये था. हम जब बातचीत कर रहे थे जिंदा भी था, 5 मिनट बाद वो मर गया. अब हम क्या करें, अब मैं मर, हाँ, पर एक बार डिलीवरी करनी पड़ेगी. ऐसे जैसे मान लो सपोज करो तुम दुकान पे गई कि भैया ये 10 किलो चीनी दे दो, अब इतने में कोई चूहे खा गया चीनी या खराब हो गई, इतने में देखते देखते तो अपने कहेंगे यार हमें डिलीवरी तो करो एक बार. ऐसा थोड़ी होगा कि देखो मैंने तो पैसे ले लिए, अब आपके ऊपर है इसको लेके जाओ. ऐसे कैसे, वो एक बार कोई ले गया उठा के इतने में, अब तुम देखते जाएंगे, हो सकता है ना ये. तो एक बार डिलीवरी करनी है ऐसे, जो इसमें एक्ट ऑफ गॉड भी आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट में. कॉन्ट्रैक्ट अभी आप वो क्या बोलते हैं, उससे पहले चीनी वाले पहले क्या एग्जांपल दे रहे थे, और पर मर जाता है वो, तो वो एक्ट ऑफ गॉड. हाँ, वो ऐसे सर्कमस्टेंस जो अपने हाथ में नहीं है, वो सेक्शन 56 है. ठीक है, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, मैं बिल्डिंग बेच रहा हूँ, जैसे मैंने बात की कि TLT की बिल्डिंग बेच रहे हैं आपको, बिल्डिंग ही गिर गई, ट्विन टावर की बात की, गिरा दी किसी ने. ठीक है, पूरा नोएडा वाले में, तो वो कॉन्टेक्ट क्या हो गया, कोविड हो गया. अब मैंने जैसे मैंने बात की मान लो कशिश और मैं भी यही है, मतलब सामने वाली बिल्डिंग है ना कशिश, ठीक है, वो मैं तुमको दे दूंगा 50 लाख. इसने जैसे 50 लाख रुपये दिए, भूकंप आ गया, वो बिल्डिंग नीचे गिर गई. मैंने कहा मैं नहीं, मैंने तो तुम्हें दे दी थी भाई, देखो 5 मिनट बाद गिरी है, तो वो इतना तो कॉमन सेंस चलेगा ना कि भाई वो बिल्डिंग गिर गई, क्या मेरी किस्मत ही बेकार है क्या, जो मैंने जैसे पैसे दिए गिर गई. ठीक है,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, वॉइड हो गए, क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था उसके बारे में। अच्छा ये बताओ, मान लो मैंने इससे 50 लाख रुपए ले लिए, मैं घर चला गया, इसको मैंने बिल्डिंग दे दी, अगले दिन भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब क्या मैं इसको वापस करूंगा? अब मैं नहीं करूंगा, वो तुम्हारी किस्मत ही सही में बिगड़ा है। या फिर जैसे घोड़ा है, ये लेके गई और अगले दिन मर गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज जरूर, अगर उनको पता था ना वो मरने वाला घोड़ा, वो मैंने इससे बाद में छुपाई है, तो सेक्शन 17 में फ्रॉड है, वो भी पड़ेगा, ठीक है। और मतलब कितना टाइम फ्रेम तक मतलब पैसे ले सकते हैं? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल फिर भी मतलब कितने? रीजनेबल टाइम में ऐसा है कि हम लोग देखेंगे कंडीशन टू कंडीशन, कई होते हैं ऐसे कि अपन को तुरंत कई बात का, ठीक है। सर अगर टर्म्स एंड कंडीशन साइंस हो गए? हाँ अगर टर्म्स एंड कंडीशन साइंस, देखो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ओरल रिटर्न दोनों हो सकता है, ये वाली बात है, जरूरी नहीं है रिटर्न हो, दोनों की इक्वल वैल्यू है, ओरल भी और रिटर्न की इक्वल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कितनी बार अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने ओरल ही कर रहे हैं, ठीक है। अपने वो दुकानदार के पास गए भैया मैगी का पैकेट दो, तो अपने कहा एक मिनट रुको भैया एक बार दो, मैगी का कितने पैकेट है? 3 पैकेट है ना, 3 मैगी के पैकेट, ठीक है। और कितने के भैया? 42 यहाँ पे आप साइन कर दो, यहाँ मैं साइन करता हूँ, ऐसा होगा क्या? ठीक है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने दिन में? अपने टूथब्रश भी खरीदने जा रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। अपने रेलवे के टिकट खरीद रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ओरल है ना, वो बाउंड है, ठीक है, कोई पीछे नहीं हट सकता। अब तुम लोगों सोचोगे प्रूफ कैसे करेंगे, तो वो प्रूफ करने के लिए जो दिक्कत आएगी ना, वो कोर्ट के सामने वो कैसे करेगा? अपने को दिए होंगे फैक्ट्स, क्या हुआ, अब किसने गपला किया ना कुछ, तो अपने लिखा होगा, अपने कहेंगे हमें क्या पता मांग क्या हुआ था, उसमें हमने पुलिस रखी है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अब जो कंसीडरेशन है ना, वो 3 पार्ट्स की है, ठीक है, फटाफट से अपन इसको समझ लेते हैं। पहली तो होगी पास्ट, दूसरी होगी प्रेजेंट, और तीसरी होगी फ्यूचर। अब इन तीनों में क्या फर्क है ये समझ लो। देखो कुछ जगह है ना लो अलग है, कुछ जगह अलग है, हमें जो पैसेज में लो गिवन हुए ना, अपन को वही अप्लाई करना है। पास्ट कंसीडरेशन क्या है कि ऐसा कोई एक्ट जो पहले हो चुका है और उसके लिए आप अब राजी हो रहे हो, ठीक है, वो पास्ट कंसीडरेशन है। इंडिया में पास्ट कंसीडरेशन और इंग्लैंड में पास्ट कंसीडरेशन का अलग अलग लो है। तो क्लैट के पैसेज के लिए मेरी रिक्वेस्ट है एक बार चेक करना उसमें लिखा हुआ क्या है कि पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है या नहीं है। पहले समझते हैं पास्ट कंसीडरेशन है क्या, फिर अपने पे आते हैं कि क्या कानून है, ठीक है। मान लो अपने सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, स्विमिंग पूल में, ठीक है, कैटरीना कैफ डूबी, ठीक है। अब वहां पे मान लो कि कार्तिक जाता है और कैटरीना कैफ को बचा के ले आता है। अब कैटरीना कैफ कितने पैसे बच गए ना, उसकी लाइफ बच गई, वो तो कितने कमा लेंगे, ऑब्वियसली बात है 10 करोड़ 20 करोड़ उसकी कितनी है। वो कैटरीना कैफ जैसे ही बाहर आई, ठीक है, और उसका पति जो था विक्की कौशल वो भी आया, वो भी खुश हो गया, चलो अभी शादी हुई थी और ये डूब गई थी, उसको बचा लिया। उसने बोला विक्की कौशल ने या फिर कैटरीना कैफ ने खुद ने बोला कि कार्तिक जी बहुत बढ़िया गया आपने बचा के, हम आपको है ना 10 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है, अभी तो हमने कुछ वो नहीं है बुलेट, कल आप आके 10 लाख रुपए ऑफिस से ले लेना। इसने बोला जुड़ती नहीं है कोई बात नहीं, पर आप दे रहे हो तो बढ़िया। ये भी खुश हो गया, एक्साइटेड बहुत ही। अब ये जा रहा है घर पे, ठीक है, तो यही सबने देखते हुए कि भाई बढ़िया, मैं तो यूं ही बचाने गया था उसको, और अब उसने बोल भी दिया है और मेरे को 10 लाख रुपए। अगले दिन जब वो गया तो कैटरीना का दिमाग खराब है, क्या तुम्हारा वो मिल ही नहीं रही, ठीक है, कोई कुछ रुपए नहीं है। हमारा लोग क्या बोलते हैं, पास कंजुलेशन है ना वो वैलिड है, मतलब कि अगर आपने किसी को ऐसी बात जो पहले हो रखी थी उसके लिए आपने अब एग्री कर दिया ना, कंजुलेशन कर दिया, वो भी वैलिड है। पर कई देशों में नहीं है, ठीक है, तो अपन को चेक करना पड़ेगा पैसेज में दे रखे ना पास कंजुलेशन वैलिड। तो अगर कोई पास के ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए कोई एग्री कर रहा है तो वो क्या है, अब 2 दिन बाद मैंने बोला कि अभिजीत तुम्हारे क्लाइंट नहीं था ना, मैं तुम्हें एक BMW गिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब ये काम पहले हो चुका था ना, पहले इसने क्लाइंट तो पहले ही निकाल चुका था। अब पास कंसीडरेशन का वैलिड है तो उनको BMW देनी पड़ेगी, अगर नहीं वैलिड तो नहीं देनी, ठीक है। फ्यूचर कंसीडरेशन क्या है, फ्यूचर कंसीडरेशन मतलब क्या है, मैंने बोला कि जिसका भी अगर AIR 1-100 में आया या जो भी बच्चा बेंगलोर में गया, ठीक है, उसको मैं BMW कार गिफ्ट करूंगा, फ्यूचर कंसीडरेशन। तुम लोग उसके लिए मेहनत करो भाई, BMW मिलेगी वहीं पे, NIT में BMW में जाएंगे बैठ के। ऐसे एक IIT की कोचिंग ने कर रखा है पता तुम्हें, उसने दी उसको,
आईआईटी के कोचिंग उसने बोल रखा था किसी का भी सिंगल डिजिट में रैंक आए ना बीएमडब्ल्यू मिलेगी 70 लाख रुपए उसने निकाल के मालिक ने दे दी उसको बच्चे को सब ये सही में तुम देखना गूगल करना घर पे जाके कि कोचिंग इंस्टीट्यूट गिफ्टेड बीएमडब्ल्यू वो टू स्टूडेंट कोचिंग रिसीव करके यहीं राजस्थान की अपनी ठीक है और वो बच्चा फिर बीएमडब्ल्यू में गया ठीक है मुकर नहीं सकते यार अब तुम ये बताओ एक क्वेश्चन का पापा ने बोल दिया कि भाई क्लैट निकला ना जैसे एक लड़की आती थी अजानी का उसके पापा ने बोला कि अगर तुम्हारा क्लैट निकल गया तो तुम्हें आईफोन दे देंगे ठीक है और उसका मान लो क्लैट निकल जाएगा पापा पीछे हट सकते हैं इसके हिसाब से भी हट सकते हैं वैसे हट जाते हैं पर अपने उनको बाउंड कर सकते हैं इस बात का पापा ने बोला कितनी बार पापा बोलते हैं कि ये काम कर दो ये दिलवा देंगे ठीक है या ये कर दो तो हमें ये नहीं कर रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है अगर मम्मी भी एविडेंस में ना तो भी काम चल जाएगा ठीक है पर एक जनों का एविडेंस होना चाहिए बच्चे नहीं तो कोर्ट में प्रूव नहीं करना है अब ये बताओ मैंने मान लो किसी ने बोला कि शाम को है ना मैं तुम्हें केएलएम पे पार्टी दूंगा ठीक है और शाम को तुम आना और अपन सेलिब्रेट करेंगे शाम को गए नहीं वो बेचारा अकेला बिना खाए पिए भी सुबह से खाए नहीं कुछ भी शाम को नहीं खाएंगे और कोई उसने दिया ही नहीं क्या वो उसको फोर्स कर सकता है कि भाई कोर्ट में जाके भाई मेरे को पार्टी दे क्यों क्योंकि लो है ना ट्राइफल मैटर्स को डील नहीं करता छोटे मोटे बात है ना इनमें नहीं करेगा कहीं गोलगप्पे खिलाने थे ठीक है सामने वाले से कुछ वो भी नहीं है ठीक है वन वे वाले हैं वन साइडेड कि भाई गोलगप्पे खिला देंगे ये खिला देंगे वो कोर्ट रहेगा इसको मतलब हाँ कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं यानी एक वन वे ही तो था चलो ऐसे होता कि जैसे मान लो उसने बोला कि आज मैं पार्टी दे रहा हूँ कल तुम दे देना ऐसे बहुत बार होते हैं ना कि भाई अपने दो दोस्तों को बोलते हैं कि आज तू मेरे को ये खिला दे ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है और जो बिल आएगा वो तू दे दे अगले दिन अगले हफ्ते मैं दे दूंगा उसने तो खा लिया अगले हफ्ते वो कहना मैं नहीं दे पा रहा अब बोलो अब कंसिडरेशन है यहाँ पे पर ये अगर दे रखा ना वही जो क्या बोलते हैं छोटा मोटा अगर कॉस्ट बहुत कम है ना तो कोर्ट नहीं अंडरटेक करेगा हाँ बहुत महंगी है जैसे मैंने बोला कि आज मैं तुम्हें ना वर्ल्ड टूर करवा रहा हूँ अगले महीने तो मेरे को वर्ल्ड टूर करवा देना तो ये वाला तो है भाई तो मेरे 40 लाख रुपए लग गए और अगला वाला मुकर्र है तो कोर्ट उसको बाउंड कर देगा ऐसे पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होगा हाँ पास्ट और फ्यूचर में बता फ्यूचर में क्या है कि जब अपने ये बोल रहे हैं जैसे बीएमडब्ल्यू में तुम्हें दिलवा दूंगा अब मैंने फ्यूचर की कोई कंडीशन रख दी तुम उसके लिए काम करो तो वो फ्यूचर कंडीशन हो गया ठीक है कि मैंने क्या बोला कि फ्यूचर में ये तुम काम करोगे ना तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा ठीक है पास्ट में वो काम हो चुका है तुमने बचा चुके हो लड़की को एक बार इतना ही दोबारा इसको चेक करो फिर अपने इसको दोबारा करेंगे ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं इसको दोबारा जितना पढ़ा है वो पढ़ो फिर अपने उसके डाउट फिर आगे Okay.